हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। हे गाइस, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि एलिंगम डायग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। तो किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर एलिंगम डायग्राम पे एक वीडियो बना दीजिए। तो देखो, मैं एलिंगम डायग्राम पे एक ट्रिक लेके आया हूँ और एक वीडियो है, समझो कि पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा प्लस लास्ट में एक ट्रिक रहेगा, ठीक है। तो इसे आराम से देखें और समझे, समझो कि एक मूवी देखने आया है, मूवी का स्टार्टिंग है, एंड होते होते मूवी फिनिश हो जाएगा और पूरा कहानी समझ में आ जाएगा कि एलिंगम डायग्राम है क्या चीज़, ठीक है। ठीक है, तो देखो होता क्या चाहिए कि एलिंगम डायग्राम आता क्या चाहिए। तो हम लोग इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। देखो, मैं डायरेक्ट डेफिनेशन अगर बता दूँ तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, पढ़ाने में थोड़ा भी मज़ा नहीं आएगा। अब जैसे मान लो मूवी देखने गए और पूरा क्लियर ही हो गया, इसे ये था, तो कहानी क्लियर हो गया, ठीक है। तो पूरा डेफिनेशन मैं डायरेक्ट नहीं बताऊँगा, पहले मैं कुछ समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो, एलिंगम डायग्राम आता है, तो एलिंगम डायग्राम में मैंने क्या चीज़ नाम लिया, थर्मोडायनेमिक्स का। तो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिडक्शन प्रोसेस को हम लोग एलिंगम डायग्राम भी बोल सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स नाम लेते ही एक इक्वेशन आता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एच, ठीक है। ठीक है, ये एक रिएक्शन आता है। तो इस रिएक्शन को मैं अब कौन सा क्या है मैं बताता हूँ। डेल्टा जी को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच को हम लोग इंथैल्पी बोलते हैं, डेल्टा एस को हम लोग बोलते हैं चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा मीन चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है, डेल्टा मीन चेंज होता है और एस मीन्स एंट्रोपी, टी मीन्स टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हो गया पहला चीज, ठीक है, पहला एक इक्वेशन। अब जो डेल्टा जी नॉट होता है वो किस काम का है, ठीक है, अब एक एक करके हम लोग समझते हैं क्या चाहिए, ठीक है, जीरो से हाई लेवल, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट जो है वो हम लोग को स्पॉन्टेनिटी देता है, ठीक है, स्पॉन्टेनसिटी देता है, ठीक ना, स्पॉन्टेनिटी हम लोग को बताता है कि कौन सा चीज़ स्पॉन्टेनियस और कौन सा चीज़ नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग तीन पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है, तीन पार्ट समझना, ठीक है, आराम से। तो मान लो अगर इक्वल टू जीरो हुआ, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो क्या चीज हो गया, इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर डेल्टा जी नॉट विल बी लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, सॉरी दिस मीन्स ग्रेटर देन जीरो, मीन्स दैट दैट मीन्स डेल्टा जी नॉट इज पॉजिटिव, देन द रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, द रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। If delta G naught will be less than zero, that means delta G naught is negative, delta G naught is negative, then the reaction will be spontaneous, ठीक है। तो यहाँ तक spontaneous, ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे की बात देखते हैं, कैसे क्या है, हम लोग को एलिंगम डायग्राम का जरूरी क्या पड़ गया, ठीक है, एलिंगम डायग्राम चाहिए क्यों, ठीक ना। तो पहले इतना कम से कम रिकॉल करो एक बार, ठीक है, अच्छा से समझो, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या चीज देखते हैं, इतना तो समझ में आ गया है, अब हम लोग देखते हैं कि एलिंगम डायग्राम का यूज क्या चाहिए। देखो, तो शुद्ध हिंदी में मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, समझना, ठीक है। जो भी मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है, किसी मेटल का अगर एक्सट्रैक्शन होता है, उसमें हम लोग किसी ऑक्साइड या कार्बन का या कोई अलग सा मेटल या बाय थर्मल डिकम्पोजिशन का सहारा लेते हैं किसी मेटल को एक्सट्रैक्शन करवाने के लिए, ठीक है। तो उस जो सहारे में जो बेस्ट सहारा होगा वो कौन सा होगा, ये हमें एलिंगम डायग्राम से पता चलता है। देखो, समझ में आ गया होगा। अब देखो, सहारा मतलब समझना, किसी भी मेटल को अगर हम लोग एक्सट्रैक्शन करवा रहे हैं तो उसमें हम लोग लेते हैं ऑक्साइड का मदद, कार्बन का मदद और किसी अन्य मेटल का मदद या बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, इन चारों पांचों चीजों का सहारे से हम लोग किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक है, ठीक ना। तो उस मेटल का एक्सट्रैक्शन करवाने के लिए ये चारों का सहारा लेते हैं। तो इनमें सबसे अच्छा सहारा कौन सा होगा जिसे हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट करवा पाएंगे, ठीक है। अब मैं एक बार इंग्लिश में बताता हूँ, एकदम सिंपल में। इट रिक्वायर्स टू नो अबाउट बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, डेल्टा जी नॉट एफ वर्सेस टाइम टी ग्राफ, हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, क्या चीज बनाते हैं, ग्राफ। तो
इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा जो कि मेटल का एक्सट्रैक्शन करवा पाए, ठीक है। इट रिक्वायर्स टू नो अबाउट बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ठीक है। अब हम लोग कुछ ग्राफ देखते हैं और कुछ ये देखते हैं, तब आगे और ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। अब देखो, अब ये एक ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस ग्राफ में समझना मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेल्टा जीनोटेप है, या जो कि हम लोग ने डेल्टा जीनोटेप वर्सेस टाइम टी ग्राफ के लिए पढ़ने के लिए लिखा है, ठीक है। और ये टेम्परेचर टी है, ठीक है। तो मान लो एक ऐसे किया है, ठीक है, जहाँ पे डेल्टा जी नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट विल बी एट जीरो, दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब एक ये लाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर टी हो रहा है, ठीक है, इस जगह टेम्परेचर टी है। तो मानो कि एक पॉइंट ए हो गया, किसके लिए, इसके लिए एक पॉइंट ए हो गया, ठीक है। और इतना जो है वो पॉइंट बी हो गया। तो डेल्टा जी नॉट जीरो है, तो मीन जीरो से जो नीचे है वो क्या चीज है, नेगेटिव। तो ए वाला हो गया नेगेटिव और बी वाला हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो जैसे पार्ट ए है, ठीक है, तो ए वाला है, तो ए में क्या चीज हो रहा है, मेटल प्लस ऑक्साइड, किसी भी मेटल प्लस डाइऑक्साइड को मिलाते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया रिएक्शन। तो ये जो मेटल होता है ये सॉलिड में होता है, ठीक है, प्लस बोले थे मैंने ऑक्सीजन लो, कार्बन लो या कुछ भी लो, ठीक है। तो ये हमने लिया तो एक्सट्रैक्शन में आ गया मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें हम लोग ए में देख रहे हैं, कौन सा पार्ट ए में देख रहे हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने किया। तो यहाँ पे क्या चीज आ रहा है, डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव, दैट मीन्स इट इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब हम लोग इस रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, ठीक है, क्या चीज, रिवर्सिबल रिएक्शन लिखते हैं, जो कि इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या चीज होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो रिवर्सिबल इक्वेशन लिखते हैं, एमओ से मेटल ऑक्साइड से मेटल प्लस डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव, जो कि हो जाएगा नन स्पॉन्टेनियस, जो कि नन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, नन स्पॉन्टेनियस। उसी तरह पार्ट बी का हम लोग बनाएंगे, तो पार्ट बी में है, पार्ट बी में मेटल प्लस ऑक्साइड से बन रहा है एमओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा। देखो पॉजिटिव में है बिकॉज ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्रेटर देन जीरो डेट मीन्स डेल्टा जी नॉट विल बी इन पॉजिटिव, एंड डेल्टा जी नॉट विल बी इन पॉजिटिव, दैट मीन्स द रिएक्शन विल बी इन नन स्पॉन्टेनियस, नन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, नन स्पॉन्टेनियस। अगर अब हम लोग इसका रिवर्सिबल बनाएंगे तो एमओ से क्या चीज होगा, मेटल ऑक्साइड से मेटल प्लस डाई ऑक्साइड से डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव आएगा, ठीक है, जो कि होगा क्या चीज, स्पॉन्टेनियस। तो समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं पहले स्पॉन्टेनियस और नन स्पॉन्टेनियस का कहानी क्लियर करना चाह रहा हूँ। अगर जो डेल्टा जी है नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव में, तो वो स्पॉन्टेनियस आ रहा है, एंड द रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ पार्ट बी इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस, दैट मीन्स जो ये है वो रिवर्सिबल पार्ट ऑफ बी का सेम है, समझ में आ रहा है, सेम चीज है, ठीक है। तो एम प्लस ओ टू से एमओ बन रहा है तो स्पॉन्टेनियस आ रहा है, और एमओ से एम प्लस ओ टू बन रहा है तो भी स्पॉन्टेनियस आ रहा है। पॉइंट नंबर वन क्लियर हो गया होगा, ठीक है, मैं क्या समझाया, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस नन स्पॉन्टेनियस समझ में आ गया कैसे करना। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसमें आप लोग बताइएगा कौन सा जो ग्राफ में ये जो लाइन है, समझ लो एक लाइन है, तो कौन सा लाइन स्पॉन्टेनियस है, कौन सा लाइन नन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 हम लोग समझेंगे कैसे क्या है कहानी, ठीक है। देखो जैसे एक ग्राफ दे रखा है, तो इस ग्राफ में बताना कौन सा स्पॉन्टेनियस है, कौन सा नन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मान लो जैसे कि ये वाला पार्ट ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। हम लोग सब देखेंगे, ये लिंगम डायग्राम पूरा देखेंगे, सब चीज लाइन वाइज। देखो एक तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है तो ऐसे ऐसे हम लोग बना देंगे, ठीक है ठीक है। तो पार्ट ए बी सी हो गया, तो ए में हम लोग का क्या चीज देख रहे हैं, ए में कार्बन से
ए में कोक से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो इसका फॉर्मेशन हम लोग कैसे देखेंगे, ये जो कार्बन होता है सॉलिड फेज में होता है प्लस हाफ ओ टू इन गैसियस फेज से बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या चीज होता है, यहाँ पे समझना एक इक्विलिब्रियम में कहानी आता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट में मोल्स है वन और रिएक्टेंट में कितना है हाफ, टोटल कितना है हाफ। ऑलवेज वी टेक गैसियस फेज, ठीक है, सॉलिड फेज लिक्विड फेज का हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, वो इक्विलिब्रियम का कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे हाफ इक्वल टू आ गया हाफ, डेट मीन्स डेल्टा जी नॉट विल गिव यू नीन, डेल्टा जी नॉट हटाओ अभी, अभी मैं बाद में बात करूंगा, डेल्टा एन जी इक्वल टू हाफ आ गया, ठीक है। अब एक चीज समझना, नंबर ऑफ मोल विल बी इंक्रीजेज, रैंडमनेस विल बी इंक्रीजेज एंड एंट्रोपी विल बी इंक्रीजेज इफ रैंडमनेस एंड नंबर ऑफ मोल्स विल बी इंक्रीजेज, दैट मीन्स डेल्टा एस इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा एस इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लो ये सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड हो गया, ठीक है, ये लिक्विड हो गया, ठीक है, ये लिक्विड हो गया और यहाँ पे गैसियस हो गया, ठीक है, यहाँ पे गैसियस हो गया और ये लिक्विड हो गया, तो रैंडमनेस किधर की ओर होगा, गैसियस की ओर रैंडमनेस ज्यादा होगा, जिसका मतलब है कि गैसियस का एंट्रोपी भी ज्यादा होगा, ठीक है, एंट्रोपी ऑफ गैसियस विल बी मोर, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब देखो, अब मैंने एक इक्वेशन लिखा था डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, ठीक है, इफ डेल्टा एस विल बी इंक्रीजेस, इफ डेल्टा एस विल बी इंक्रीजेस देन टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है, डेल्टा एस इंक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है या टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, देन डेल्टा जी नॉट विल बी नेगेटिव, ठीक है, डेल्टा जी नॉट विल बी नेगेटिव एंड डेल्टा जी नॉट विल बी नेगेटिव देन रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है, ये एक चीज हो गया। इफ डेल्टा एस विल बी डिक्रीजेस, इफ डेल्टा एस विल बी डिक्रीजेस और डेल्टा एस विल बी हाईली नेगेटिव एंड डेल्टा टी मीन्स टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेस, ऑलवेज टेम्परेचर इंक्रीजेस इन एलिंगम डायग्राम, ठीक है, टेम्परेचर इज इंक्रीजेस इन एलिंगम डायग्राम, ठीक है, ऑलवेज, ठीक ना। तो इफ डेल्टा एस विल बी नेगेटिव एंड टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेस, डेल्टा एस जो है हमारा वो नेगेटिव में है और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, डैट मीन्स ये पूरा का पूरा क्या चीज हो जाएगा, हाईली नेगेटिव हो जाएगा, और ये अगर हाईली नेगेटिव हो गया तो माइनस डेल्टा एच इंटू माइनस टी इंटू डेल्टा एच, तो माइनस माइनस विल बी पॉजिटिव, डैट मीन्स डेल्टा जी इक्वल टू इंक्रीजेस, ठीक है, डेल्टा जी इक्वल टू इंक्रीजेस, समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर डेल्टा एस को अगर नेगेटिव कर दिया जाए और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो ये जो पूरा पार्ट है ये क्या चीज हो जाएगा, हाईली नेगेटिव हो जाएगा, और हाईली नेगेटिव होने के कारण नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव डेल्टा एच के साथ और हम लोग जोड़ देंगे तो डेल्टा जी है वो और इंक्रीज कर जाएगा, और डेल्टा जी विल बी इंक्रीजेस देन रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इतना बात समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्या समझा रहा हूँ। तो अब देखो, अब इसमें क्या चीज आ रहा है, डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव, डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव एंड टी विल बी इंक्रीजेड, दैट मीन्स इट विल नेगेटिव, ओवरऑल क्या चीज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा डेल्टा जी। कैसे नेगेटिव होगा, मान लो अगर डेल्टा एस विल बी टू एंड टी विल बी थ्री, तो थ्री इंटू टू इक्वल टू सिक्स एंड डेल्टा इक्वल टू टेन, डेल्टा एच इक्वल टू टेन, इट विल गिव फोर। अगर हम लोग इसको ही, अगर हम लोग डेल्टा एस को ही नेगेटिव बना दें, मीन्स माइनस टू कर दें, तो थ्री इंटू टू माइनस टू इक्वल टू माइनस सिक्स, टेन माइनस माइनस सिक्स लिखते हैं तो इक्वल टू आ जाएगा सिक्सटीन, तो विच इज ग्रेटर, फोर और सिक्सटीन, जाहिर सी बात है सिक्सटीन इज ग्रेटर देन फोर, तो डेट मीन्स डेल्टा जी विल बी लेस, ठीक है, डेल्टा जी विल बी लेस इफ एस विल बी इंक्रीजेस, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, एस विल बी इंक्रीजेस मीन डेल्टा जी इक्वल टू लेस, ठीक है, डेल्टा जी इक्वल टू लेस, तो इसका मतलब ये क्या चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, समझ में आ गया, क्या चीज हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है।
डेल्टा जी विल बी लेस मीन्स डेल्टा जी विल बी नेगेटिव हम लोग ले लेंगे, तो डेल्टा जी विल बी नेगेटिव मीन्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेट मीन्स ए वाला जो ग्राफ हो जाएगा वो हो गया स्पॉन्टेनियस। अब हम लोग आते हैं बी में, तो बी भी कोक से कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कोक से कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो उसका फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं सी से कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन हो गया इन सॉलिड स्टेट प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इन गैसियस फॉर्म से बन रहा है CO2 इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये क्या चीज रिएक्टेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, डेट मीन्स डेल्टा एस इक्वल टू जीरो, डेट मीन्स डेल्टा जी इक्वल टू ऑल्सो जीरो, डेट मीन्स रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो बी वाला कहाँ पे हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। तो सी वाला आप लोग खुद से निकालेंगे, ठीक है, जैसा जैसा मैंने कहा है उसी तरह से खुद से निकाल के देखना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद डेल्टा एस मालूम करना है, उसके बाद कॉमेंट करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, ठीक ना। तब तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ दो चीज समझ में आया, तो तीसरा भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। चाहे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, अभी वीडियो पॉज करके मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कैसे क्या करना है। तो सी में देखो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, डेट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड इन गैसियस फेज प्लस हाफ ओ टू इन गैसियस फेज, ठीक है, से बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस फेज। तो डेल्टा एन जी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट, वन माइनस वन प्लस हाफ, ठीक है, ओवर ऑल वी गेट माइनस हाफ, डेट मीन्स डेल्टा एस इक्वल टू नेगेटिव, डेट मीन्स डेल्टा जी क्या चीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव, ठीक है, इंक्रीज करेगा, मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। तो सी वाला क्या चीज हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो देखो यहाँ तक हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, ठीक है, अब हम लोग कुछ आगे भी कुछ सीखते हैं, ठीक है। इतना सब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, एक बार मैं फिर से घुमा दे रहा हूँ, ठीक है, इतना कुछ जो भी मैं समझाया एक बार आप लोग को वीडियो में कवर कर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी दिखे नहीं, ब्लर मत कर जाए, ठीक ना। तो अब हम लोग कुछ अब नया चीज सीखते हैं, ठीक है, इसमें क्या चीज क्या चीज है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो अभी एक और दिख रहा होगा एग्जांपल, दो तीन दो एग्जांपल दिख रहा होगा, तो पहला एग्जांपल ये वाला देखो। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि एक स्लोप ए ले लिया और एक बी ले लिया और एक सी ले लिया, ठीक है, ए बी और ये सी, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि जैसे ए जी टू ओ है, ठीक है, ए जी टू ओ, तो तीन टेम्परेचर आ रहा है, एक टी वन टी टू एंड टी थ्री, ठीक है। इसमें Ag2O जो है उसको अगर हम लोग हीट करवाते हैं तो सिल्वर प्लस ऑक्सीजन दे देता है, ठीक है। HgO मर्करिक ऑक्साइड को हीट कराते हैं तो मर्करी प्लस ऑक्सीजन दे देता है, जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व कर जाता है एट लो टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। और जो हम लोग ZnO जिंक ऑक्साइड को हम लोग हीट करवाते हैं तो जिंक देता है प्लस O2 देता है, बट ड्यू टू हाई टेम्परेचर इट रिक्वायर्स कैटलिस्ट, ठीक है, ऐसे नहीं दे पाएगा, ठीक ना, ऐसे नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो जिंक होता है वो हाईली कॉस्टली हो जाता है, ठीक है, क्या चीज हो जाता है, बहुत ही महंगा हो जाता है, इतना ज्यादा प्राइस लगता है इसके इस टाइप में एक्सट्रैक्शन में, जिसके कारण हम लोग क्या चीज कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं, मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट, सिंपली मैं कहना चाहता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट में हम लोग किसका यूज करते हैं, कोक का, ठीक है, कार्बन मीन्स कोक, ठीक है, तो कोक का हम लोग यूज करते हैं, तो ZnO प्लस कोक से बनता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें मैं सिंपली दो चीज बताना चाहता हूँ कि एट लो टेम्परेचर कैटलिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन, ठीक है, कैटलिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें क्या चीज नहीं रिक्वायर्ड है, कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्लियर बात है। और एट हाई टेम्परेचर रिड्यूसिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सट्रैक्शन, ठीक है, क्यों हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाता है। ये था पहला कहानी, मतलब टेम्परेचर पे आपका डिकम्पोजिशन डिपेंड करता है, मीन्स लोअर टेम्परेचर टी वन और टी टू लोअर टेम्परेचर पे रिड्यूसिंग एजेंट का आवश्यकता नहीं है, बट इन हाई टेम्परेचर वी नीड्स रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है,
ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, ये वाला एग्जांपल। तो इसमें कह रहे हैं कि विच इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें देखना है कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये मान लो आपका जेड एन ओ है, ठीक है, जेड एन ओ, और ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन से मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये सब हम लोगों ने फॉर्मेशन देख रखा है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग पूछ रहे हैं इसमें विच इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो इसमें दो पॉइंट याद रखना, पहला पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ कि जितना भी द मेटल ऑक्साइड प्लेस्ड हायर इन द डायग्राम, जो मेटल ऑक्साइड है इस डायग्राम में ऊपर की ओर एवं में रखा हुआ रहेगा, कैन बी रिड्यूस्ड बाय एलिमेंट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, प्लेस्ड लोअर इन द डायग्राम, ठीक है। द मेटल ऑक्साइड प्लेस्ड हायर इन द डायग्राम कैन बी रिड्यूस्ड बाय एलिमेंट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड प्लेस्ड बाय लोअर इन द डायग्राम, जो लोअर में है, ठीक ना, जो लोअर में रखा हुआ है जो, और हायर में रखा हुआ, तो जो हायर वाला है लोअर के कारण क्या चीज हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, क्या चीज रिड्यूस्ड हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ। जो ऊपर वाला ग्राफ है, ऊपर में जो डायग्राम है वो नीचे वाले डायग्राम से रिड्यूस्ड हो जाएगा, पॉइंट नंबर टू अब हम लोग देखते हैं। तो पॉइंट नंबर टू में बोलता है कि लो टेम्परेचर को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, डेट मीन्स डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव हम लोग ज्यादा देंगे, डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव आएगा मीन्स स्टेबल आएगा, स्टेबल मीन्स कहने का मतलब है स्पॉन्टेनियस आएगा, ठीक है, ठीक है। डेट मीन्स जैसे कि यहाँ पे जेड एन ओ, ठीक है, जेड एन ओ से अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड, जेड एन ओ से कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कराते हैं, देखो मैं यहाँ कुछ लिख के दिखाता हूँ, यहाँ देखो जेड एन ओ प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड से जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, और फिर से जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन या कोक से हम लोग करवाते हैं तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया। तो देखो कौन सा नीचे है, ये वाला नीचे है, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एवव, ठीक है। डेट मीन्स हम लोगों ने क्या सीखा कि जो नीचे वाला होगा वो ऊपर वाला को रिड्यूस्ड कर जाएगा, डेट मीन्स दिस रिएक्शन जिंक ऑक्साइड प्लस कोक से जेड एन प्लस यू वाला क्या चीज होगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्या चीज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दो पॉइंट याद रखना हमेशा कि जो नीचे वाला होगा वो ऊपर वाला मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, ठीक है, एक बार मैं बोल दे रहा हूँ लिख लें, द मेटल ऑक्साइड प्लेस्ड हायर इन द डायग्राम कैन बी रिड्यूस्ड बाय एलिमेंट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड प्लेस्ड लोअर इन द डायग्राम, ठीक है, किसके कारण होगा, नीचे वाले के कारण। ये था 2 से 3 पॉइंट, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और एक जो लास्ट है, लास्ट हमारा ये है, ठीक है, लास्ट हम लोग का ये है जो कि ओरिजिनल एलिंगम डायग्राम है, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर पे मत जाना क्योंकि टेम्परेचर पे मैं एक्यूरेट डायग्राम नहीं बनाया हूँ, ठीक है, ठीक ना। तो ऐसा मत बोलना सर 400 पे है तो कहीं 800 पे दे दिए, गलत डायग्राम हो गया, ठीक है। तो टेम्परेचर पे मत जाना, किसी भी बुक में देख लेना, ये मिल जाएगा डायग्राम, ठीक है, तो वहाँ से टेम्परेचर एक्यूरेट कर लेना, ठीक है। इसमें मेरा बताने का मकसद यही है कि इसे हम लोग एलिंगम डायग्राम बोलते हैं, जो उसमें कि जैसे ये जो ऊपर वाला है, ये जो ऊपर वाला डायग्राम है, ठीक है, उसको ये जैसे नीचे वाला है जेड एन प्लस ओ टू से जेड आर ओ टू बन रहा है या एम जी प्लस ओ टू से एम जी ओ बन रहा है, ये इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे इसमें बताना चाह रहा हूँ कि जो क्रोमियम है, ठीक ना, अल्मोनियम है, ठीक है, पहले अल्मोनियम को देखो, अल्मोनियम प्लस ओ टू से 2/3 L2O3, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो जो अल्मोनियम है वो क्रोमियम को रिड्यूस कर देगा, अल्मोनियम कैन रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम बट नॉट रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एट 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये जो अल्मोनियम है, ये जो एल्यूमिनियम है, ये वाला एल्यूमिनियम, ये क्रोमियम को तो रिड्यूस कर देगा बट मैग्नीशियम और कैल्शियम को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों ये बताना, तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आप लोगों को पॉइंट बता दिया, ठीक है। अब मेटल कैन रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ मेटल प्लेस्ड एवव इन द डायग्राम ड्यू टू मोर नेगेटिव फ्री एनर्जी, ठीक है, सच डेट अल्मोनियम कैन रिड्यूस क्रोमियम बट नॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। क्यों होता है, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव
दैट मीन्स इट इज मोर स्टेबल और स्पॉन्टेनियस, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसलिए जो अल्मोनियम है ये अल्मोनियम क्रोमियम को रिड्यूस कर देगा बट मैग्नीशियम और कैल्शियम को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ये था टोटल हम लोग का एलिंगम डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे होता है समाप्ति। एक बार मैं जूम करके दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है, जिन्हें लिखना होगा लिख लीजिएगा, ठीक है, ये जूमिंग है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, इसका एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसका यूजेस, द ग्राफ सिंपली इंडिकेट्स वेदर ए रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है, ये ग्राफ सिंपली यही इंडिकेट करता है रिएक्शन पॉसिबल होगा या नहीं, मतलब टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन विथ अ रिड्यूसिंग एजेंट इज इंडिकेटेड। जो मैंने कहा था क्या चीज करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का कहानी बतलाता है, ठीक है। दिस इज सो बिकॉज इट इज बेस्ड ओनली ऑन द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। पहले भी मैंने कहा था एलिंगम डायग्राम के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये था टोटल एलिंगम डायग्राम, ठीक है। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और प्लीज 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 शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू विजिटर्स, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी क्वेश्चन है वो पूछिए, ठीक है, ठीक है। और एक क्वेश्चन अगर चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक ना, एक क्वेश्चन आप लिख लो, ठीक है। विच ऑक्साइड ग्रुप्स अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाई कार्बन, कौन सा ऑक्साइड ग्रुप कार्बन से रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। मैं ऑप्शन देता है Fe2O3, ZnO, PbO, Fe2O4, और तीन ही ऑप्शन देता हूँ, ठीक ना, Cu2O, SnO2 और CaO से K2O, ठीक है। ये चार ऑप्शन मैंने दे दिया, कौन सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑक्साइड ग्रुप्स अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिड्यूस बाई कार्बन, कौन सा ऑक्साइड ग्रुप कार्बन से रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है, ZnO, Fe2O3, ZnO, PbO, Fe2O4, Cu2O, A, B, C, D, ये चार ऑप्शन, कौन सा ऑक्साइड कार्बन से रिड्यूस नहीं होगा, ये था मेरा क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा तो प्लीज आंसर कॉमेंट करें।